बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और ये कहा है कि चुनाव के बाद मैं किसी भी सूरत में समर्थन नरेंद्र मोदी या बीजेपी को नहीं दूंगी। सत्ता के लिए घिनौने हथकंडे अपना रही है बीजेपी, यह आरोप मायावती ने लगाया है। मोदी के पक्ष में नहीं है कोई हवा और अगर जरूरत पड़ी तो बीएसपी किसी भी कीमत पर बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। 2003 में बीजेपी ने बीएसपी के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। क्या कुछ कहा मायावती ने, सुनिए। किसी के ही नशे में धुत श्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के अन्य नेतागण भी दूसरी पार्टियों और उनके नेतृत्व के खिलाफ भी काफी ज्यादा गलत व अनर्गल बयानबाजी लगातार करते रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल में अभी तक यहाँ काफी कटुता भी आ गई है। परंतु अब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8 चरण का चुनाव समाप्त होकर दिनांक 12 मई को अर्थात आज से केवल 2 दिन बाद अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी रह गया है, तो ऐसी स्थिति में अपनी व अपने एनडीए गठबंधन की खराब स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करते हुए अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताजा इंटरव्यू में ये कहा है, जो कई पेपरों में भी आज छपा है, अपने ताजा इंटरव्यू में ये कहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में तमिलनाडु की जयललिता, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी समर्थन लेने की संभावना है। लेकिन श्री मोदी द्वारा ये सत्य स्वीकार किए जाने से अब यहाँ साफ तौर से ये जाहिर हो जाता है कि बीजेपी की हालत इस चुनाव में काफी ज्यादा खराब है और इससे हमारा ये आरोप भी सही साबित हो जाता है कि बीजेपी व श्री मोदी के पक्ष में यहाँ कोई हवा नहीं बह रही है, बल्कि यहाँ धरना सेठों व बड़े बड़े पूंजियों के गलत धन के बल पर ही मीडिया व अन्य प्रचार के माध्यम से यहाँ फर्जी हवा बनाने की कोशिश की गई है।